Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, you will learn about Consumer Protection Act 1986. आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये तो ऑलरेडी 2019 में नए एक्ट के आने के बाद रिपील हो चुका है, फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो डोंट वरी, मैं इसके बाद नए एक्ट को भी पढ़ा दूंगी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 पे ही होगा। बट मैं इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में अभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स को नए और पुराने दोनों ही एक्ट का बराबर से नॉलेज हो जाए और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उनसे तो उन्हें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, दैट्स व्हाई। सो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्ट पास कब हुआ था। तो लोकसभा में ये एक्ट 9 दिसंबर 1986 को पास हो गया था, राज्यसभा में 10 दिसंबर 1986 को, और इसको प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिल गया था वो 24 दिसंबर 1986 को मिल गया था, और ये गैजेट ऑफ इंडिया में 26 दिसंबर 1986 को पब्लिश हो गया था। तो देखो, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन 1986 एंड इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1st July 1987। हमने अभी पढ़ा ना कि 1986 में ओवरऑल हमारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया था, और ये बेसिकली फोर्स में कब आया था, 1st July 1987 से। तो इस एक्ट को पास करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी अगर हम लॉ बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना। तो इस एक्ट को बनाने के पीछे का कारण क्या था कि हम अपने देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर का क्या मतलब है, कंज्यूमर का मतलब कि जो डायरेक्टली किसी गुड्स या किसी सर्विस को कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर सपोज करो मैंने अपने लिए आइसक्रीम खरीद के लाया और मैंने उसको खा लिया और उसके वजह से मुझे कुछ नुकसान होता है, तो मैं ही वो कंज्यूमर रहूंगी जो अपने लिए न्याय की गुहार लगाऊंगी। मतलब मैंने खुद से उस आइसक्रीम को खाया, मैंने उसको कंज्यूम किया, तो मैं क्या बन गई, कंज्यूमर बन गई। अगर मैंने वो आइसक्रीम लाया होता और मेरे किसी अदर फैमिली मेंबर ने खाया होता तो वहां पे कंज्यूमर मैं नहीं थी, कंज्यूमर कौन था, जिसने उसको खाया। ठीक है, तो डायरेक्टली जिसने कंज्यूम किया, जिसने सर्विस को डायरेक्टली अवेल किया, वो कौन होता है आपका, कंज्यूमर। तो इसी कंज्यूमर को ऑल राउंड प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ताकि उनको सेफ गार्ड किया जा सके। इनको प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड किस चीज से देना है, जो मार्केट में ट्रेडर्स के द्वारा किया जा रहा एक्सप्लॉयटेशन है। अभी एक्सप्लॉयटेशन वो लोग कैसे करते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स दे करके, सर्विसेज में किसी तरीके की डेफिशिट दे करके, मतलब सर्विसेज में कुछ कमी दे करके, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करके, अलग अलग तरीके से कंज्यूमर्स को मार्केट में एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो इन्हीं एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनको ऑल राउंड प्रोटेक्शन देने के लिए इस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रैक्टिस में लाया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे प्रोविजंस हैं ताकि एक कंज्यूमर को अगर उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है तो उसको सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से उसके ग्रीवांसेस का रिड्रेसल किया जा सके, इससे रिलेटेड इसमें सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट को क्यों लेके आए थे, कंज्यूमर को सेफगार्ड करने के लिए और ऑलराउंड प्रोटेक्शन देने के लिए किस चीज से। तो वेरियस बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस से, यानी कि बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं बिजनेस में जिसके वजह से कंज्यूमर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिसेस आते हैं, तो देखिए ये सारे आते हैं। फर्स्ट क्या है, सेल्स ऑफ एडल्टरेटेड गुड। एडल्टरेटेड गुड का मतलब कि एडिंग समथिंग इंफीरियर टू द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। जो प्रोडक्ट आपको बेचना था ना, उसमें आप जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, कुछ इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर रहे हो, तो ये भी आप क्या फाइनली कर रहे हो, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट कर रहे हो। किस चीज, क्या करके एक्सप्लॉयट कर रहे हो, एडल्टरेटेड गुड्स को बेच करके कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ऑफ स्पूरियस गुड, मीन्स सेलिंग समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू इंस्टीड ऑफ द रियल प्रोडक्ट। रियल प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कम वैल्यू अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट कर रहे हो। सेल्स ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स विच इज नॉट कंफर्म टू प्रेस्क्राइब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बहुत से गुड्स ऐसे बेचे जाते हैं जिनका कि कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स होता है और उनके स्टैंडर्ड में आप अप टू द मार्क स्टैंडर्ड ना प्रेस्क्राइब करके सब स्टैंडर्ड गुड यानी बिलो स्टैंडर्ड गुड अगर कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ऑफ ड्यूप्लीकेट गुड, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, चीजों को ड्यूप्लीकेट गुड्स का बेचना, ये भी एक्सप्लॉयट करना है। यूज ऑफ फॉल्स वेट एंड मेजर्स लीडिंग टू अंडर वेट,
या तो आप गलत वेट दो कंज्यूमर्स को, या फिर अगर गलत वेट भी दे रहे हो या फिर अंडर वेट दो उनको, अंडर वेट भी या गलत वेट भी, दोनों भी एक्सप्लोटेशन के अंदर आता है। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग लीडिंग टू स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स एंड राइज इन प्राइस, आप चीजों को जमाखोरी कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी स्कैर्सिटी वाले गुड्स हैं, जैसे कुछ दिन पहले प्याज का दाम काफी बढ़ा था, तो प्याज का दाम बढ़ता है तो क्या होता है कि जिस चीज का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो ट्रेडर्स उसका जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं ताकि जब और प्राइस बढ़े तो हम उसको बेच सकें। तो एक तरीके से ये भी क्या है, हमारा कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन का पार्ट है। चार्जिंग मोर देन एमआरपी, जो भी प्रोडक्ट पे फिक्स किया गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अगर आप उससे ज्यादा भी चार्ज कर रहे हो तो भी आप एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो। ठीक है, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, गुड्स में किसी तरीके का डिफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, गुड्स के साथ कभी भी डिफेक्टिव लगेगा और सर्विसेज के साथ डेफिशिएंसी लगेगी, क्लियर है। या फिर आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हो वो मिसलीडिंग नेचर का है, यानी कि एडवर्टीजमेंट में कुछ गलत बता रहे हो, गलत क्लेम्स बता रहे हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट काफी सुपीरियर क्वालिटी का है, काफी अच्छे स्टैंडर्ड का है, लेकिन ऑलरेडी जेन्युइन में वो ऐसा है नहीं। तो अगर आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो ये भी आपका कहाँ आता है, कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन के अंदर आता है। या फिर सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विस, हमने इंफीरियर प्रोडक्ट पढ़ा था ना, गुड्स पड़ा था, अब अगर आप इंफीरियर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, जो क्वालिटी आपको सर्विस का प्रोवाइड करना चाहिए था आप उससे लो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारा सर्विस हो या गुड्स हो, सभी में अगर किसी तरीके का डिफेक्ट, किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वो हमारे कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन का पार्ट होता है। अब देखिए पर्टिकुलर एक्ट के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला, इट अप्लाइज to all goods, services and unfair trade practice unless specified exempted by the central government. ये हर goods, हर services और हर unfair trade practices पे applicable होगा, यानी जो ये act है ना, ये इंडिया में जितने भी goods sell किए जा रहे हैं, जितने भी services provide की जा रही हैं और उनके 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 थ्रू किया जाने वाला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, यानी गुड्स को बेचने में अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, सर्विसेज को रेंडर करने में अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, तो उन सभी पे ये अप्लाई होगा। कुछ एग्जेम्पशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड क्या है आपका, ये सभी को कवर करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर कोऑपरेटिव हो। थर्ड क्या है हमारा, इट प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सबसे फर्स्ट क्या है, इस एक्ट में 3 लेवल का कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टैब्लिश होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का क्या काम होता है, बेसिकली ये प्रमोट करता है और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये प्रमोट करता है कंज्यूमर को, ये बताने की कोशिश करता है, उनको एजुकेट करने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारे राइट्स क्या हैं। अगर मुझे खुद को अपने राइट के बारे में पता नहीं होगा तो मैं उसको अप्लाई कैसे करूंगी रियल लाइफ में। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, कि ये लोगों को एजुकेट करते हैं और कंज्यूमर के राइट को उनको प्रमोट करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। और एक 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है, 3-tier मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और ये क्या करती है, कंज्यूमर्स के जितने भी ग्रीवांसेस हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब ये जो स्टैचरी है ये हमारे कंज्यूमर को 6 राइट्स देती है। इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए गए कुल मिलाकर के। वो 6 राइट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन एंगल से राइट्स ऑफ कंज्यूमर पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हमारा 6 राइट्स जो कंज्यूमर को दिए जाते हैं इस एक्ट में, उसका जो फर्स्ट राइट है दैट इज राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू हेल्थ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना। मतलब राइट टू सेफ्टी मतलब हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने आप को ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे सर्विसेज से बचा सके जो कि उसके हेल्थ, उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस नेचर का हो,
जो कहीं ना कहीं उसके लाइफ, उसके हेल्थ और उसकी प्रॉपर्टी पे गलत असर कर सकता है, ऐसे चीज से बचाव करने का पूरा अधिकार कंज्यूमर को है। द रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस शुड बी एश्योर्ड इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेलर। कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं करना जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी या परफॉर्मेंस की जांच सेलर ने पहले से नहीं करी हो, और कहीं भी इस जांच में अगर पाया जाता है कि कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए ये सही नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विसेज को आप कंज्यूमर को प्रोवाइड ना करें। अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर तक पहुंचता है और उसके सेफ्टी का खिलवाड़ होता है तो वो आप पे एक्शन ले सकता है, मतलब उसके पास ये राइट है कि वो अपने सेफ्टी के बारे में सोचे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विदाउट ISI मार्क में काउ सीरियस इंजरीज वाइल ऑफरिंग आयरन इनटू द मार्केट, द यूजेस ऑफ आयरन शुड बी मेंशन्ड विद द प्रोडक्ट। अब हर सर्विस प्रोवाइडर को या हर गुड प्रोवाइडर को, सेलर को ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसके नीचे सारा डिटेल बताओ कि इस आयरन को कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजों से बचाव करना है। तो अगर ये सारे इंफॉर्मेशन आप नहीं बताएंगे और कंज्यूमर के पास इसका इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अगर उसकी कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार सेलर होगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने सेफ्टी का ख्याल रखे। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। दिस इज एन एक्ट टू गिव फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन टू एक्वायर द डेटा अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक ज्यूरिसडिक्शन इन ऑर्डर टू डेवलप क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए, ये ऐसा एक्ट है ना जो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, मतलब हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो भी सर्विसेज को अवेल कर रहा है, उसके बारे में उसको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हो। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके एक्सपायरी पीरियड क्या है, हर एक चीज, हर छोटे छोटे चीज का पूरा इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलना चाहिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलता है तो उसको गेट, मतलब इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है कंज्यूमर को। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता तो वो उस इंफॉर्मेशन का डिमांड कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये राइट ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट है राइट टू चूज। द मीनिंग ऑफ राइट टू चूज एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द राइट टू एश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल टू हैव एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को चूज कर सकता है, उस पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। जैसे आप एक दुकान में जाते हो और एक ही प्राइस रेंज में बहुत सारे ब्रांड की चीजें अवेलेबल हैं, तो आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप अपने मन से कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। इसमें ना तो सेलर आप पे दबाव बना सकता है, ना कोई आप पे दबाव बना सकता है। हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे चीजों को चूज कर सके अपने अपने नीड के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, राइट टू बी हर्ड। दिस राइट सेज दैट द कंप्लेन ऑफ कस्टमर शुड बी अंडरस्टूड बाय द सेलर एंड इट ऑल्सो अलाउज देम टू बी हर्ड बिफोर द सेशन एंड कंज्यूमर पैनल। राइट टू बी हर्ड इज वन ऑफ द राइट ग्रांटेड टू कंज्यूमर बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट टू बी हर्ड मतलब अगर आपने कोई सामान, एज अ सेलर आपने कोई सामान कंज्यूमर को दिया है, बेचा है, अब उस सामान में कंज्यूमर को एक कंप्लेन लेके आता है, तो हर सेलर को उसके कंप्लेन को सुनना पड़ेगा। यानी कि हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो अपने प्रॉब्लम को लेकर के जाता है तो उसके प्रॉब्लम को सुना जाए। राइट टू बी हर्ड, उसको पूरा मौका दिया जाए कि उसकी बातों को आप सुनिए, कंज्यूमर की बातों को सुनिए। अगर वो सेलर के पास जाता है तो सेलर को उसके प्रॉब्लम को समझना है, सुनना है, पूरा वक्त देना है। ठीक है, और यही चीज कंज्यूमर पैनल पे भी अप्लाई होती है कि अगर कंज्यूमर की ग्रीवांस को रिड्रेस करते समय
अगर सेशन चल रहा है तो सेशन जो कोर्ट सेशन है उसको कंज्यूमर के बात को पूरे अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर कंज्यूमर को ये राइट देता है। कौन सा राइट? राइट टू बी हर्ड, यानी उसकी बातों को सुना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? राइट टू सीक रीड्रेसल। राइट टू सीक रीड्रेसल अगेंस्ट इलीगल ट्रेड सिस्टम और अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द राइट टू बी रीजनेबल सेटलमेंट ऑफ द लेजिटिमेट कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर। दे शैल बी वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मस्ट एग्जीक्यूट देम। राइट टू सीक रीड्रेसल का क्या मतलब है कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होता है किसी भी तरीके से, तो वो अपने लिए न्याय का गुहार लगा सकता है। उसके पास ये पूरा राइट है, मतलब वो अपने ग्रीवांसेस को, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट तक जा सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। उसको पूरा अधिकार दिया गया है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द राइट टू ऑब्टेन द नॉलेज एंड स्किल टू बी एन एक्वांटेड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर स्पेशली ऑफ रूरल कंज्यूमर्स इज चीफली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन। दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मस्ट एग्जीक्यूट देम। हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, है ना, उनको एजुकेशन को ऑब्टेन करने का, एजुकेशन लेने का, स्किल को ऑब्टेन करने का पूरा अधिकार है थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब अपने पूरे लाइफ स्पैन में उनको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज लेना और स्किल गेन करना उनका पूरा अधिकार है। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको एक्सप्लॉयट कर सकती हैं, कौन कौन से उनके पास अधिकार दिए गए हैं गवर्नमेंट के, और उन राइट्स का इस्तेमाल उनको किस तरीके से करना है, इन सब के बारे में उनको नॉलेज लेने का पूरा अधिकार है। खास करके रूरल एरियाज में जो कंज्यूमर रह रहे हैं उनको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उन्हीं के साथ होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए, फिलिंग ऑफ कंप्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट कंप्लेन कैन बी फाइल्ड। कौन कौन से ऐसे कंप्लेंट हैं जो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो पहला क्या है? एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किसी भी ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अगर आपको किया गया है, मतलब आपको कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपके साथ की गई है, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। गुड्स बाउड बाय हिम और अग्रीड टू बी बाउड बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। अगर किसी भी ट्रेडर से आपने कोई भी गुड्स खरीदा है उसमें एक या एक से अधिक कोई डिफेक्ट है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्विस हायर करा है या एवेल करा है उसमें किसी तरीके की डेफिशिएंसी होती है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। या फिर आपको जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है किसी गुड्स या सर्विस के बिहाफ में, तो वो एक्सेस किया जा रहा है, या तो डिस्प्ले ज्यादा किया जा रहा है, लीस्ट प्राइस ज्यादा दिखाया जा रहा है ना, किसी भी कंडीशन में अगर प्राइस आपको ज्यादा बताया जा रहा है, ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, उस केस में भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। गुड्स और सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज। अगर आपको लगता है कि जो गुड्स या सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं इसके वजह से आपके लाइफ या आपके सेफ्टी का कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रभाव इसका पड़ रहा है, तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। जैसे आपने कोई कुकर खरीदा और कुकर का काम आपने किया और वो ब्लास्ट कर गया, तो अब वो आपके लाइफ आपके सेफ्टी के लिए हैजार्डस नेचर का हुआ, अब इस केस में आप उस सेलर पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? वेयर टू फाइल कंप्लेन। हमने ये देख लिया कि हम किस टाइप के चीजों पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है? भाई समझ तो गए कि कौन ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, अब मुझे कंप्लेन फाइल करना है, मैं कहां जाऊं कंप्लेन फाइल करने? तो अगर मान लीजिए इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपेंसेशन क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख, द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं और जो आपका कंपेंसेशन क्लेम किया जा रहा है उस गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ में, वो 20 लाख से अंदर का है, है ना, 20 लाख से कम का है, तो आप कंप्लेन कहां फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में करोगे। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो जिसकी वैल्यू 20 लाख से कम की है,
तो आप उसका कंप्लेन कहाँ फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में करोगे, या फिर जो आप कंपेंसेशन क्लेम कर रहे हो वो भी अगर 20 लाख से कम का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि अब मान लो कि आपका जो ये सर्विस या गुड्स का वैल्यू है वो मोर देन 20 लाख है लेकिन लेस देन 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ या लेस देन 1 करोड़, मोर देन 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़ अगर है तो आप अपना कंप्लेन स्टेट कमीशन में फाइल करोगे, और अगर मोर देन 1 करोड़ है तो आप अपने कंप्लेन को नेशनल कमीशन में फाइल करोगे। ठीक है, अगर 20 लाख तक का आपका गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू है तो आप कहाँ जाओगे? आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। मोर देन 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़ है तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे, मोर देन 1 करोड़ है तो आप नेशनल कमीशन में जाओगे। अब तो पता चल गया आपको कहाँ जाना है, आइदर डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, कहीं भी आप जा सकते हो तीनों जगहों में से, जैसा आपकी वैल्यू है आपके गुड्स एंड सर्विसेज की उस हिसाब से आप चूज करो। नेक्स्ट क्या है, टाइम लिमिट फॉर फिलिंग द कंप्लेन। क्या कभी भी मुंह उठाए और चल दिए कंप्लेन फाइल करने के लिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। देखिए, द कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द काउज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। हाउएवर इट मे बी एडमिटेड इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 ईयर इफ सफिशियंट काउज इज शोन फॉर द डिले। अब देखिए, ये जो टाइम लिमिट है ना, आपके साथ जिस दिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ उसके 2 ईयर्स के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब अगर मान लो कुछ ऐसा रीजन हो गया, अगर आपके पास सफिशियंट काउज है देने के लिए, अगर अथॉरिटी को आप सफिशियंट काउज प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप मोर देन 2 ईयर के बाद भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अथॉरिटी आपके कंप्लेन को रजिस्टर करेगी या नहीं करेगी। उनको अगर सफिशियंट काउज लगता है तो कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यानी कि ओवरऑल हमारा टाइम पीरियड क्या है केस को फाइल करने का, विद इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग द केस। अब हमने देख लिया कि कंप्लेन कब तक फाइल करना है, कहां करना है, कौन से प्रैक्टिसेस के लिए करना है, अब कितने टाइम फ्रेम में ये हमारा केस डिसाइड हो जाएगा, क्या लंबा चलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे चलते चला जाएगा। तो देखिए, एवरी कंप्लेन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ एज स्पीडली एज पॉसिबल एज विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी। अब जब आप केस करते हो ना तो वहां पे रजिस्टर होता है केस, और आपके केस के करने के बाद आप जिस पे केस कर रहे हो, आपका जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, उसको नोटिस जाता है। तो जिस दिन ऑपोजिट पार्टी को नोटिस गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ्स आपका डिसीजन आ जाएगा केस का। आपका जो केस है वो काफी स्पीडली उसको डिस्पोज किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, तो विद इन 3 मंथ्स आपका डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे कंप्लेंट है जिनमें गुड्स के लेबोरेटरी टेस्टिंग की जरूरत है तो ये पीरियड 5 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है। यानी अगर लैब टेस्ट की जरूरत है तो 5 मंथ का डेडलाइन होगा, और नॉर्मल केस है तो 3 मंथ का। मगर जैसे मान लो कि अगर आपने कोई ऐसा कंप्लेन फाइल किया है जैसे कुछ खाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कंप्लेन किया कि हाँ भाई इसमें जितना बताया गया उससे ज्यादा मात्रा में कुछ चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं, तो वो आप देख करके या समझ करके ऑब्जर्व करके नहीं पता लगा सकते, उसके लिए लैब टेस्ट की जरूरत होती है। तो अगर लैब टेस्ट के लिए कोई भी गुड्स को भेजा जाता है तो उसमें 2 महीना ज्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है टाइम लिमिट, समझ गए। अब भाई सब कुछ तो समझ गए, कितने दिन में होगा, कैसे फाइल करेंगे कंप्लेन। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। Within 2 years of purchasing the product or service, the complaint should be filed. ये तो हमने जान लिया ना कि within 2 years जिस दिन आपने परचेज करा है प्रोडक्ट या सर्विस को, अवेल किया है, उसके बाद के 2 साल तक में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इन द कंप्लेंट द कंज्यूमर शुड मेंशन द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम, दिस कैन बी एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कंपेंसेशन फॉर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर। अब उस कंप्लेन में कंज्यूमर को मेंशन करना पड़ता है पूरे डिटेल में प्रॉब्लम को, कि भाई प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने खरीदा उसके बाद ऐसा क्या क्या हुआ जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है, और साथ ही साथ अब आप क्या चाहते हो, मतलब सेलर से अब आप क्या चाहते हो, एक्सचेंज चाहते हो, गुड्स का रिप्लेसमेंट चाहते हो,
या फिर सेलर से आप कंपेंसेशन चाहते हो, जो भी आपके साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुआ, आप इतने परेशान रहे उसके लिए कंपेंसेशन चाहते हो, और फाइनली आप क्या उम्मीद करते हो, ये भी आपको बताना होगा डिटेल में। हाउएवर द डिक्लेरेशन नीड टू बी रीजनेबल। अब ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि हाँ भाई इसने मेरा इसके कुकर के फटने की वजह से मेरे हाथ में चोट लगी तो इसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपका जो डिक्लेरेशन होगा वो बिल्कुल ही रीजनेबल होना चाहिए। ऑल द रेलिवेंट रिसिट्स बिल्स शुड बी केप्ट एंड अटैच्ड टू द कंप्लेन लेटर। आप जो कंप्लेन लेटर लिख रहे हो ना, जिसमें सारे डिटेल बता रहे हो, उसके साथ साथ आपने जो प्रोडक्ट खरीदा था या जो सर्विस अवेल की थी, तो आपको बिल मिला होगा, जो रिसिट होगा उसके साथ आप उसको अटैच करोगे। मतलब कंप्लेन लेटर के साथ आपको बिल भी अटैच करना है। अ रिटन कंप्लेन शुड बी सेंड टू द कंज्यूमर फोरम वाया मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स और हैंड डिलीवर्ड। अब ये जो रिटन कंप्लेन जो आप बिल के साथ अटैच करके दे रहे हो, इसको आपको कहाँ गिराना है, कंज्यूमर फोरम में भेजना है। ये आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, खुद भी जाके हैंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब ये आप ड्रॉप करने के बाद इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक्नॉलेजमेंट ले लेना है। आपको ये भूलना नहीं है रिसीव करना, मतलब आपने वहां पे डाला तो आपको रिसीविंग लेटर जरूर ले लेना है, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने कोर्ट में कंप्लेन फाइल किया है। नेक्स्ट क्या है, द कंप्लेन कैन बी इन एनी प्रेफर्ड लैंग्वेज, जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड लैंग्वेज है उसमें आप अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी लॉयर को हायर करने की आपको जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने आप ही इसकी हियरिंग हो जाती है, किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेंट एंड रिसीव्ड शुड बी केप्ट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे जमा किए हैं, लाइक बिल्स जो जमा किया है, जो भी बिल्स और वहां से जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है, उन सबको अच्छे तरीके से आपको रखना है। कब तक, जब तक कि आपका फाइनल फैसला नहीं आ जाता। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं आगे पहले वाले टर्म में इसको इंक्लूड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है इस पूरे एक्ट का, खासकर एग्जामिनेशन में जब इंट्रो पार्ट लिखना होता है तो इसकी काफी जरूरत होती है। तो शुरू में कम दिया था ना मैंने, तो सोचा कि चलो और पॉइंट वाइज दे दो। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग बेटर एंड ऑल राउंड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर और ऑल राउंड प्रोटेक्शन देना कंज्यूमर्स को। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस। ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करना, ऐसा वे ऑफ रिड्रेसल एजेंसी प्रोवाइड करना जिससे कंज्यूमर्स के सारे कंप्लेंट स्पीडली क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल। एक फ्रेमवर्क देना कंज्यूमर्स को जिसके थ्रू जाकर के वो अपने रिड्रेसल का डिमांड कर सकते हैं। कंज्यूमर्स को राइट्स प्रोवाइड करना, हमने 6 राइट्स पढ़ा ना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही तो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, अब सिर्फ प्रोवाइड करना उनका काम नहीं है, उन प्रोवाइड किए गए राइट्स को सेफ गार्ड करना भी, यानी उनको एजुकेट करना भी कि हाँ भाई देखिए ये आपका राइट है और आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनको सेफ गार्ड भी करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम होता है। देखो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो कंज्यूमर्स को क्या देता है, दो चीजें देता है, एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक होता है कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखिए क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर एस्टैब्लिश्ड एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। दीज काउंसिल वर्क टुवर्ड्स द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। दे गिव पब्लिसिटी टू द मैटर्स कंसर्निंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है ना, बेसिकली ये 3 लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जो काउंसिल है इसका बेसिकली काम क्या है, प्रमोशन करना और प्रोटेक्शन करना, किसका, कंज्यूमर के राइट का, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं उन सारे राइट्स को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाना, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर जो कंज्यूमर्स है ना वो इलिटरेट है, तो उनको ये बताना कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपको बहुत सारी राइट्स दे रखी है लेकिन आपको खुद को पता तो होना चाहिए ना कि मेरे कौन कौन से अधिकार हैं। तो जरूरी क्या है, प्रमोशन, लोगों के बीच प्रमोट करना और बताना कि आपके क्या क्या राइट्स आपको गवर्नमेंट ने किसी एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, और उनसे आप
उन राइट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सारे चीजों का जो एजुकेशन होता है कंज्यूमर्स को वो कौन देता है, उस पे काम कौन करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। जितने भी मैटर्स चल रहे हैं, जैसे जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के मैटर्स हैं जो ज्यादातर कंज्यूमर्स के साथ होते हैं, उन सारे मैटर्स के बारे में लोगों को एजुकेट करना, पब्लिसिटी देना कि अगर आपके साथ ऐसा ऐसा हो तो आप अपने राइट का इस्तेमाल करके उस पे कंप्लेन कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोइटेशन से बचाने के लिए सारे कदम उठाए जाते हैं। किसके द्वारा? उनको सिखाया जाता है चीजों को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ना, तीन लेवल पे है। तो हमारा फर्स्ट लेवल क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि सेंट्रल लेवल पे, यानी इंडिया का एक काउंसिल होगा जो पूरे इंडिया को गवर्न करेगा, है ना। सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ काउंसिल टू बी नोन एज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा होता है, नोटिफिकेशन के द्वारा एक काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है काउंसिल है तो कुछ मेंबर्स होंगे। फर्स्ट क्या है? द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन होंगे? जो इंडियन गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। सच मेंबर्स और अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। कुछ इसमें मेंबर्स भी होंगे जो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल कोई भी हो सकते हैं, जिनका जो भी इसके लिए सुटेबल होंगे, इसमें कुछ मेंबर्स भी रखे जाएंगे। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल में होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करती है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो आपका सेक्शन 7 में आता है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यहाँ पे कौन एस्टैब्लिश करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कौन एस्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। इस पर्टिकुलर काउंसिल को एस्टैब्लिश करती है और इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर होते हैं स्टेट के, यानी जिस किसी भी स्टेट में, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, और जिस स्टेट में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है उस स्टेट के जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर होंगे वो वहां के चेयरमैन होंगे, कुछ उसमें मेंबर्स होंगे, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है, लेकिन ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंदर नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज ही जो है वो मेंबर यहाँ के होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। अब ये जो स्टेट काउंसिल है इनके मीटिंग का भी कुछ लिमिटेशन है, एटलीस्ट उनको साल में 2 मीटिंग करनी नेसेसरी है। 2 से ज्यादा कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 2 मीटिंग उनको करनी जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज सच मीटिंग शैल बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो मीटिंग्स हैं इनको प्रेस्क्राइब कौन करेगी, क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ जो प्रेस्क्राइब करेगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किसमें? स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, दैट इज इन सेक्शन 8A। ये क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय नोटिफिकेशन
अ काउंसिल टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कहाँ होता है, स्टेट के अंदर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल खोला जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचने का अधिकार किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही इस काउंसिल को स्टैब्लिश करेगी और उसको डायरेक्ट करेगी, अपने अनुसार डायरेक्शन देगी, स्टैब्लिश भी करती है और डायरेक्ट भी करती है। तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होंगे है ना, वो उसके कौन होंगे, चेयरमैन होंगे, और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे भी वही सेम नेसेसरी वाली बात है कि आपको एटलीस्ट 2 मीटिंग पूरे साल में करनी है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के साथ ये लिमिटेशन है कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो साल में एटलीस्ट 2 मीटिंग करनी ही करनी है, उसको 2 से ज्यादा कर सकता है लेकिन मिनिमम 2 मैंडेटरी है। और ये सारे जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा, जितनी भी चीजों को मतलब फॉलो करके चलेगा अपने मीटिंग्स में और डे टू डे ऑपरेशंस में, वो किसके द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएंगी। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, जो कि आपका चैप्टर 3 सेक्शन 9 से सेक्शन 27 के बीच में आता है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, जो कि सेक्शन 9 में आपको पढ़ना है, इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट बाय नोटिफिकेशन। द स्टेट गवर्नमेंट मे इफ इट फिट डीम्ड फिट स्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए ये भी 3 लेवल पे होता है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, जो स्टेट लेवल पे होता है उसको हम स्टेट कमीशन बोलते हैं, और जो नेशनल लेवल पे होता है उसको हम नेशनल कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ऑब्वियसली बात है, अभी हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट के पार्ट का पार्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट फोरम का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम की जरूरत है तो भी ऐसा वो कर सकता है, उसके पास पूरा पावर होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और एक डिस्ट्रिक्ट फोरम से उसका काम नहीं बन रहा, तो वहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टैब्लिश करने का भी प्रावधान है। ठीक है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज टू बी नोन एज स्टेट कमीशन इन द स्टेट बाय नोटिफिकेशन। अब स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट कमीशन। और जो नेशनल लेवल पे यानी पूरे इंडिया लेवल पे जो होगी वो क्या होगा आपका, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी। ठीक है, नेशनल कमीशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये रिड्रेसल एजेंसी है, यानी कंज्यूमर के जो कंप्लेन आते हैं उनको रिड्रेस करने का काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमने लिमिट पढ़ा था ना, 20 लाख तक का अगर आपका वैल्यू है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, मोर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़ है तो आप स्टेट कमीशन में जाएंगे, मोर देन 1 करोड़ है तो सेंट्रल नेशनल कमीशन में जाएंगे। तो जो भी इनके पास डिस्प्यूट्स आएंगे उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का इनका काम बेसिकली होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द डिस्ट्रिक्ट फोरम। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 10 से 15 के बीच में आएगा। इसका कॉम्पोजिशन किस तरीके से, ये कॉम्पोजिशन इसका होता है, देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन और इन क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज टू बी प्रेसिडेंट। इसमें कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। कौन हो सकते हैं, ए पर्सन हु इज, कोई पर्सन जो क्या हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करे वो कौन हो सकता है, यहाँ का प्रेसिडेंट हो सकता है। और 2 और लोग होते हैं, 2 अदर मेंबर ऑफ एमिनेंस
in the field of education, trade or commerce, one of whom shall be women. इसके दो और members होते हैं, दो और लोग होते हैं इनके साथ, president के साथ. वो कौन से लोग होते हैं? वो भी officer grade के ही होते हैं, जिनका कि कहीं ना कहीं expertised है. वो लोग experts होते हैं. कौन कौन से field में expert होते हैं? Education के field में, trade के field में, commerce के field में. इन सब के experts दो लोग हो सकते हैं, जिसमें कि एक महिला होनी चाहिए. दो लोग हैं तो उसमें एक महिला होनी चाहिए. दोनों महिला हो सकती है, लेकिन दोनों पुरुष नहीं हो सकते. क्लियर है? अब ये जो मेंबर्स हैं, ये जो आपके प्रेसिडेंट हैं, इनका तो क्वालिफिकेशन जान गए कि डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के लोग होने चाहिए, वही इनके प्रेसिडेंट होंगे. लेकिन ये जो मेंबर्स है ना दो, इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो एटलीस्ट 25 ईयर एज होना चाहिए, यानी 25 साल से कम का उम्र नहीं होना चाहिए. इनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन. इनके पास ये कैसे पर्सन होने चाहिए? जिनके पास एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो और अपने बात को रखने का उनका एक अलग नजरिया हो, और जिनके पास एक्सपर्ट जैसा नॉलेज हो. किन फील्ड में? लॉ के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटेंसी के, इंडस्ट्री के, पब्लिक अफेयर के और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उनका एक्सपर्ट नॉलेज हो, और एटलीस्ट 10 साल का एटलीस्ट इन्हीं फील्ड में एक्सपीरियंस भी हो. ऐसे पर्सन जो होंगे वो इस रिड्रेसल एजेंसी के मेंबर हो सकते हैं. ठीक है? 25 साल, बैचलर डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस और अच्छा खासा नॉलेज रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए. अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? कौन कौन से लोग यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकते? कोई भी, ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड्स और इट इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अनसाउंड माइंड. He has been removed or dismissed from the service of the government or a body corporate owned or controlled by the government. He has in the opinion of the state government such financial or other interest. या फिर किसी भी तरीके से वो disqualified हो, मतलब किसी भी ऐसे किसी भी उन पे कोई किसी तरीके का कोई केस नहीं होना चाहिए, convicted लोग नहीं होने चाहिए, कोई insolvent नहीं होना चाहिए, कोई unsound mind का person नहीं होना चाहिए, या फिर अगर किसी सर्विस में वो है, स्टेट गवर्नमेंट के किसी सर्विस में है और वो सर्विस प्रोवाइड करते हुए अगर उनको रिमूव किया गया या उनको डिसमिस किया गया, तो ऐसे लोग यहाँ के मेंबर नहीं हो सकते. या फिर जो फाइनेंशियल अफेयर में डील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो ओपिनियंस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल अफेयर्स में, वो यहाँ के मेंबर्स नहीं हो सकते. या फिर किसी भी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट से वो डिसक्वालिफाइड है तो वो यहाँ के मेंबर नहीं हो सकते. तो अभी हमने देखा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है और डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है. अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन. तो बहुत से ऐसे लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे जो ये क्वालिफिकेशन पोज करते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये डिस्क्वालिफिकेशन पोज नहीं करते होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनके पास एटलीस्ट 10 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, बहुत से लोग एक्सपर्ट होंगे. तो इन बहुत से लोगों में से सबसे सुटेबल कैसे चुनता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए एक सिलेक्शन कमिटी तैयार करती है, जो जितने भी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है मेंबर्स की, उन सभी पे रिकमेंडेशन देती है सिलेक्शन कमिटी कि आपको किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए. तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में बेसिकली जो उनमें मेंबर्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन किया जाता है उसके लिए एक सिलेक्शन कमिटी होती है. उस सिलेक्शन कमिटी के एक चेयरमैन होते हैं और दो मेंबर्स होते हैं. अब बात करी जाए कि इस सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन कौन होंगे, तो देखो अभी हमने पढ़ा जब हम डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे देखे थे ना कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के हेड कौन होते हैं बच्चे? प्रेसिडेंट होते हैं. प्रेसिडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होते हैं, याद रखिएगा. इसके जो हेड हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट हैं. तो अब देखिए यहाँ जो सिलेक्शन कमिटी है ना, तो हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो हेड होंगे वो कौन है? प्रेसिडेंट. ठीक उसी तरीके से स्टेट कमीशन के भी जो हेड होंगे वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे. नेशनल कमीशन के भी जो हेड होंगे वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे. तो अब
डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए जो कमिटी बनाई जाती है उसके जो चेयरमैन होंगे वो स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट होंगे, है ना। स्टेट कमीशन के जो हेड होंगे ना वो इस सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन होंगे, और दो मेंबर्स होंगे, एक मेंबर कौन, लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के सेक्रेटरी, और दूसरे मेंबर कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी, ये दो मेंबर्स होंगे। और यही दोनों लोग मिल, यही तीनों लोग मिल करके सोचेंगे कि कौन सा ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर बनने के लायक है या नहीं है, और ये अपना सुझाव स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, और इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करेगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आई नो, आप टेंशन ले लीजिए, दो तीन बार देखेंगे समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस, जो कि सेक्शन 2 सेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 2 में दिया गया है। मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। In other words, the maximum period of membership of the forum is 5 years. यानी कि जो district forum है उसमें जो term of office होता है वो कितने दिन का होता है, 5 years का होता है, या फिर 65 years of the person age whichever is earlier. अगर कोई 64 year में appoint हुआ है तो obviously बात है वो 65 का हो जाएगा, तो वो उसका office वहीं पे over हो जाएगा। तो या तो 5 years या फिर 65 years ऑफ द एज ऑफ द मेंबर, जो भी अर्लियर आ जाए वो उनका ऑफिस पीरियड होगा। और एक बार जो मेंबर बन जाते हैं उनका दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, यानी आप कह सकते हो कि मैक्सिमम मेंबरशिप जो है इस फोरम का वो 5 years का है। नेक्स्ट क्या है, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। सेक्शन 11 कहता है क्या क्या ज्यूरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट फोरम का। तो फर्स्ट है आपका पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन। Subject to other provision of the Act, the district forum shall have jurisdiction to entertain complaint where the value of goods or services and the compensation if any claim does not exceed 20 lakh. यानी pecuniary jurisdiction की बात करें, यानी कि उनके पास कितने level के complaint को handle करने का power है, तो वो है 20 lakhs. अगर कोई भी गुड्स आपने खरीदा है जिसकी वैल्यू 20 लाख है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के तरफ मूव करेंगे, कोई सर्विस आपने अवेल किया है जिसकी वैल्यू 20 लाख की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के तरफ मूव करेंगे, या फिर आपका जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो भी 20 लाख है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कि कहां तक का ज्यूरिसडिक्शन लेवल है टेरिटरी के बेसिस पे। तो फर्स्ट देखिए, वेयर द ऑपोजिट पार्टी रिसाइड्स, जहां पे ऑपोजिट पार्टी रह रही है वहां भी कंप्लेन फाइल हो सकता है। एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी हुम देयर आर मोर देन वन विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर एक से ज्यादा ऑपोजिट पार्टी है तो जिस भी ऑपोजिट पार्टी के जगह पे जिस डिस्ट्रिक्ट का वो है उस डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कंप्लेन को मूव कर सकते हैं, या फिर जहां पे ये कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने सामान खरीदा और आपके साथ चीटिंग हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। यानी कि इनके इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फोरम का ज्यूरिसडिक्शन किस किस क्षेत्र तक आता है, किस किस टेरिटरी तक आता है, तो अगर जहां पे ऑपोजिट पार्टी रिसाइड कर रही है उस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अगर एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट सॉरी ऑपोजिट पार्टी है तो उन में से किसी के भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, या फिर ये जो कोर्स ऑफ एक्शन जहां पे हैपन हुआ है, जहां पे अराइज हुआ है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक इनका ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिमिटेशन टू डिसाइड द कंप्लेन। ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि आप जब कंप्लेन फाइल करते हैं उस कंप्लेन को फाइल होने के बाद, रजिस्टर होने के बाद आपके ऑपोजिट पार्टी को एक नोटिस जाता है, और ये जो नोटिस जाता है उसके 3 months के अंदर अंदर आपके इस कंप्लेन को डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, कंप्लेन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस बाय ऑपोजिट पार्टी। नोटिस ऑपोजिट पार्टी को रिसीव हो गया, उसके विद इन 3 months के अंदर आपका जो कंप्लेन है उसका डिसीजन आ जाएगा, और जहां पे लैब टेस्टिंग की जरूरत होगी वहां पे 5 months लगेंगे। अब नेक्स्ट है आपका स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है वो सेक्शन 16 में दिया गया है। स्टेट कमीशन हैज टू कंसिस्ट ऑफ
अ पर्सन हु इज और हैज बीन क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज और टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू बी इट्स प्रेसिडेंट. कोई भी पर्सन जो हाई कोर्ट जज के लिए क्वालिफाइड हो या फिर हाई कोर्ट जज हो, जिसको नॉमिनेट कौन किया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट किया हो, किसके कंसल्टेशन से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, है ना. वो कौन होंगे, स्टेट कमीशन के आपके प्रेसिडेंट होंगे. और यही जो प्रेसिडेंट होंगे ना, याद है ना आपको, डिस्ट्रिक्ट फोरम के सिलेक्शन कमिटी के हेड होंगे. देखिए, और इसमें नॉट लेस देन टू अदर मेंबर ऑफ एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेड और कॉमर्स, वन ऑफ हुम शैल बी विमेन. यहां भी दो मेंबर्स और होंगे, प्रेसिडेंट के अलावा दो मेंबर्स और होंगे, जिसमें कि एक मेंबर कौन होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए. ठीक है. क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या होगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए क्वालिफिकेशन था, वही सेम सारे पॉइंट्स यहां भी क्वालिफिकेशन में आएंगे. जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेंबर्स का डिसक्वालिफिकेशन था, वही सारे पॉइंट्स यहां भी आएंगे. मतलब दिखा देती हूं मैं एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो. देखिए, ये रहा डिसक्वालिफिकेशन, ये रहा क्वालिफिकेशन. ये तीनों क्वालिफिकेशन का जो पॉइंट है वहां भी एप्लीकेबल होगा. ये छह डिसक्वालिफिकेशन का जो पॉइंट है वो स्टेट कमीशन में भी एप्लीकेबल होगा, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन में. अब देखिए, सिलेक्शन कमिटी, अब ऑब्वियसली बात है, यहां भी जो मेंबर्स हैं उनको रिकमेंड करने के लिए, बाय ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट इनको चुनती है, अपॉइंट करती है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे करती है, इसी सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पे करती है. तो ये जो सिलेक्शन कमिटी है, इसके एक चेयरमैन होते हैं और दो मेंबर्स होते हैं. तो देखिए, इस चीज को समझिए, इस फ्लो को समझिए, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो चेयरमैन थे, सिलेक्शन कमिटी के जो चेयरमैन थे, वो कौन थे, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट. अब सोचो, सोचने वाली बात है कि स्टेट कमीशन के जो ये आपके सिलेक्शन कमिटी होंगी, उनके चेयरमैन कौन होंगे, तो नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट. इनके चेयरमैन कौन होंगे, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट. एक स्टेप ऊपर चल रहा है. डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है, उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट होंगे. स्टेट कमीशन का सिलेक्शन कमेटी जो है, उसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट होंगे. ठीक है, थोड़ा एक स्टेप ऊपर मान के चलो. तो नेशनल कमीशन के जो प्रेसिडेंट होंगे वो यहाँ के चेयरमैन होंगे, और एक लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे, और कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के सेक्रेटरी जो होंगे इसके मेंबर होंगे. और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, जो भी मेंबर्स यहाँ पे रिक्रूट होकर के, अपॉइंट होकर के आएंगे स्टेट कमीशन में, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 67, 5 साल या फिर 67 ईयर ऑफ द एज, विच एवर इज अर्लियर, वो लोग इलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए. यानी बाद में भी अगर आप चाहें तो उसी मेंबर को आप फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं 5 साल के बाद. ठीक है, इनके पास प्रावधान होता है कि वो अपने ऑफिस से खुद भी रिजाइन करके जा सकते हैं. इसके लिए उनको रिटर्न स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है, रेजिग्नेशन वाली. अब देखिए, इनका ज्यूरिसडिक्शन लेवल क्या है, जो कि सेक्शन 17 में दिया गया है. पेक्यूलरी ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपेंसेशन इफ एनी क्लेम्ड एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. मैंने पहले ही बताया है कि आप स्टेट कमीशन में वही कंप्लेंट ले जा सकते हैं जिनकी वैल्यू मोर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़ हो. इनके पास एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम से डिससेटिस्फाइड हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से डिससेटिस्फाइड हैं, उनको लगता है कि नहीं, फैसला कुछ और होना चाहिए था, वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं. इनके पास ज्यूरिसडिक्शन पावर होता है कि जो भी अपील किया गया है उस केस को वो हियर कर सकते हैं. टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, इनके पास पावर होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट फोरम से रिकॉर्ड्स की डिमांड कर सकते हैं. सुपरिटेंडिंग एंड रिवीजन पावर, उनके किए गए, डिस्ट्रिक्ट फोरम के किए गए फैसले को फिर से सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको रिवाइज करने का इनके पास पूरा पावर होता है. इनके पास, स्टेट कमीशन के पास, सेक्शन 17 सबसेक्शन बी, पावर ऑफ द स्टेट कमीशन ओवर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, इनके पास
डिस्ट्रिक्ट फोरम के ओवर ऊपर फंक्शन करने का पूरा पावर होता है। यानी अगर उन्होंने कोई केस का फैसला सुना दिया है और उस पर अपील के लिए आ रहा है तो वो अपील ये सुन सकते हैं, अपील की कार्रवाई कर सकते हैं, उनसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं, इनके पास उनके चीजों को रिवाइज करने का और सुप्रिटेंड करने का पावर है। और जो भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर अभी तक जिनका डिसीजन नहीं आया है उनके लिए कॉल ऑफ रिकॉर्ड मांगने का इनके पास पूरा पावर होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर एंड फाइंडिंग सेक्शन 17 क्या कहता है कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट डिस्पोज हो चुका है उनको मॉडिफाई करने के लिए, अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा है जो ऑलरेडी पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में गया है और अभी वो डिससेटिस्फाइड है, वो चाहता है कि हम स्टेट कमीशन में इसके लिए अप्लाई करें, है ना, तो इसको यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट कमीशन। और ये अपील कब करना होता है, विद इन 30 डेज, जिस दिन आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम का फैसला आया और आप डिससेटिस्फाइड हैं तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर देना होगा, अपील कर देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट ऑफ सर्टेन अमाउंट एज पर कंडीशन फॉर द अपील। अब देखिए फ्री फोकट में आप किसी भी कोर्ट का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये कोर्ट भी वही फैसला सुनाए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया था, तो आपका क्या होगा ना कि कमीशन का टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है अपील करने से पहले। नो अपील बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम अनलेस द अपीलेंट हैज डिपॉजिटेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर 50% ऑफ द अमाउंट और ₹35,000 विच एवर इज लेस। अब आपको अपील करने से पहले अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से अपील करने ये स्टेट कमीशन आए हैं तो अपील करने से पहले आपको एक प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, सपोज कीजिए कि आपका केस जो है वो 1 लाख रुपीज का है, ठीक है, 1 लाख रुपीज का है, तो उसका 50% क्या होगा, 50,000 और 35,000। इसमें से जो लोअर हो, मतलब आपका केस जितने का हो उसका 50% देख लीजिए या फिर 35,000 देख लीजिए, इसमें से जो भी अमाउंट लोअर रहेगा वो आप वहां पे एज अ डिपॉजिट जमा करेंगे। हियरिंग ऑफ अपील, सबसे पहले जब आप वहां पे पैसे जमा करेंगे और अपील लगाएंगे तो अब आपके अपील को क्या किया जाएगा, उसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी जैसे ही आप सबमिट कर देंगे। अब यहां पे भी एक टाइम फ्रेम है कि आपके अपील को हियर करने का टाइम पीरियड कितने का है, तो आपके अपील को डिस्पोज करने का 90 डेज का पीरियड है। जिस दिन आपने जमा किया पैसा, आपने अपील वहां पे रजिस्टर कराई और आपको एक्नोलेजमेंट मिल गया, उसके बाद से 90 दिन के अंदर अंदर आपके अपील की सुनवाई कर दी जाएगी और आपको अंतिम फैसला दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेशनल कमीशन, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, अ नेशनल कमीशन हैज टू बी कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे भी क्या होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होंगे, अ पर्सन हु इज और हैव बीन और इज क्वालिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज। कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या उनके बराबर की क्वालिफिकेशन रखते हो वो यहाँ के कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हो, ये नॉमिनेशन कैसे हुआ हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद हुआ हो, ऐसा पर्सन नेशनल कमीशन का कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो 4 से कम नहीं हो सकते, नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स, प्रेसिडेंट के अलावा 4 लोग कम से कम और होने चाहिए जो कि एक्सपर्ट होने चाहिए एजुकेशन, ट्रेड, कॉमर्स, इन सभी चीजों में। और कम से कम 4 भी लोग हैं तो उसमें एक महिला होनी अनिवार्य है। और यहां पर भी जो क्वालिफिकेशन होंगे इन 4 मेंबर्स के वो भी बिल्कुल सेम होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन में थे, और डिसक्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सेम होंगे जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन में हुआ करते थे। अब यहाँ पे भी जो मेंबर का जो सिलेक्शन होता है एक सिलेक्शन कमिटी के द्वारा होता है, और ये सिलेक्शन कमिटी में चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में पढ़ा था, बिल्कुल सेम यहाँ भी है। तो यहाँ जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे,
जो जो कोई भी एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, वो इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे और लॉ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके मेंबर होंगे, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके मेंबर होंगे, और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है नेशनल कमीशन का वो 5 ईयर और 60 ईयर्स ऑफ द एज, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज द अर्लियर, ये लोग क्या होते हैं, नेशनल कमीशन के मेंबर का टर्म होता है, मतलब 5 साल या फिर 70 ईयर्स ऑफ द एज, विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, और इस 5 साल के अंदर पूरा पावर होता है मेंबर्स के पास कि वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अब इनका ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ तक आता है, सेक्शन 21 पेक्यूलरी ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो कंप्लेन फाइल कराने का जो पावर होता है वो 1 करोड़ तक का होता है, 1 करोड़ तक के कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर किए जा सकते हैं। एपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है, यानी कि स्टेट कमीशन से जो नाखुश लोग हैं, जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं, वो नेशनल कमीशन में अपनी फरियाद लगा सकते हैं। स्टेट कमीशन से ये कॉल रिकॉर्ड मांग सकता है। इन स्टेट कमीशन के लिए गए फैसले को सुपरवाइज करना और रिवाइज करने का पावर नेशनल कमीशन के पास होता है। स्टेट कमीशन के ऊपर फंक्शन करने का पूरा राइट नेशनल कमीशन के पास होता है, मतलब स्टेट कमीशन ने अगर किसी केस को डिसाइड किया है तो उस पर भी अगर अपील आती है तो उस पर मतलब डिसीजन लेने का पावर इनके पास है। उनके केस को रिवाइज करने का, उनको फिर से सुपरिटेंड करने का पावर इनके पास है। रिकॉर्ड्स की डिमांड कर सकते हैं स्टेट कमीशन से ये लोग, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई पेंडिंग या डिसाइडिंग केस स्टेट कमीशन के पास पड़ा हुआ है तो ये उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि आखिर ये पेंडिंग अभी तक क्यों है। अब देखिए प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे अप्लाई करने का। तो सबसे पहले अगर जो लोग आपके स्टेट कमीशन से डिससेटिस्फाइड हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे और बताएंगे कि वो यहाँ पे कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं क्योंकि वो वहां से नाखुश हैं, ठीक है, स्टेट कमीशन से। और इसके लिए भी इनको कुछ फी डिपॉजिट करना पड़ता है, वो फीस क्या होता है, 50% ऑफ द अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लेस। या तो आपका जो कंप्लेन है उसका 50% आप जमा कीजिए या फिर 50,000 रुपए, दोनों में से जो कम होगा वो आपको डिपॉजिट करना होगा, और डिपॉजिट करने के बाद आपके केस को रजिस्टर कर लिया जाएगा और विद इन 90 डेज आपको इसका डिसीजन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है और एटलीस्ट मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो जरूर से जरूर लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 होगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।